अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक वन। ठीक है, मंथ ऑफ अगस्त का काम स्टार्ट करेंगे। तो आप आ जाइए चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्री पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 और पेज नंबर है आपका 141। ठीक है, चैप्टर का नेम है शेप्स। ठीक है, आप इसमें शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैथ्स का पोर्शन एक आपका अलग है और आपने ज्योमेट्री पोर्शन अलग बनाने हैं, उसमें चैप्टर नंबर 10 करना है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द शेप विद द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पे जो है हमें ये शेप्स बने हुए और ये स्टेटमेंट है, ठीक है, लिखी हुई। अब यहाँ पे आपने शेप्स को मैच करना है स्टेटमेंट से, यानी स्क्वायर की जो भी स्टेटमेंट होगी आपने उससे मैच करना है। यहाँ पे जो गिवन स्टेटमेंट लिखी हुई है, ट्राइंगल की जो भी स्टेटमेंट होगी वो आपने मैच करनी है। तो यहाँ पे देखें स्क्वायर की क्या स्टेटमेंट होती है। देखें यहाँ पे ये स्क्वायर शेप है, ठीक है, स्क्वायर इस शेप का होता है और इसकी इसके चार कॉर्नर्स होते हैं, चार साइड्स होती हैं और चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, आप मेजर भी करके देखें। यहाँ से देखें आपने 1 से स्टार्ट किया और ये देखें कहाँ तक आ रही है, 11 तक। ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ पे मेजर करेंगे तो आप ये देखें 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये आ रही है 11 तक। ठीक है, 11 तक आ रही है। इसी तरीके से ये चारों साइड्स जो है वो इसकी इक्वल होनी चाहिए स्क्वायर की, तो क्या होगा, ये स्क्वायर शेप कहलाएगा। तो आपने यहाँ पे मैच करना है ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्ट्रेट साइड लाइक एग, 6 साइड ऑल इक्वल साइड, 2 पेयर ऑफ इक्वल, 3 साइड्स और 5 साइड, तो ऑल इक्वल साइड। ठीक है, यहाँ पे इससे मैच करेंगे। इसके बाद ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, और 3 कॉर्नर्स होते हैं, ये कॉर्नर्स हैं, ठीक है, और ये इसके 3 साइड्स हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। और यहाँ पे देखें इसकी तीनों साइड जो है वो इक्वल होती है। यहाँ पे देखें हम आपको स्केल से दिखा देते हैं, ये देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, इस लाइन पर। अब ये देखें यहाँ तक जा रहा है, अब यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे तो ये जा रहा है यहाँ तक, ये देखें, ठीक है, इधर तक आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी इसकी और इसकी सेम मेजरमेंट होगी, यानी चारों साइड जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल होंगे, ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तो यहाँ पे इस लाइन पे आपने 3 साइड्स, ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड, तो आपने यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद सर्कल देखें इस शेप का होता है, गोल शेप का, ठीक है, इसमें कोई साइड नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है, ठीक है, कोई साइड नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है इसमें। अब यहाँ पे ये बिल्कुल गोल शेप में, तो अब यहाँ पे किस पे हम टिक करेंगे, किस पे हम मैच करेंगे, ये एग लाइक भी नहीं है, इसकी 6 साइड भी नहीं है, इसकी 5 साइड भी नहीं है, 2 पेयर भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे नो स्ट्रेट साइड, क्योंकि इसकी कोई एक स्ट्रेट साइड नहीं है, तो यहाँ पे आपने सर्कल का मैच कर लेना। उसके बाद पेंटागॉन जो है, ये देखें पेंटागॉन जो है उसकी शेप ऐसी होती है, देखिए पेंटागॉन जो है वो इस शेप का होता है और इसकी जो है 5 कॉर्नर्स होते हैं, 5 साइड होती हैं, 5 साइड एंड 5 कॉर्नर्स, देखें 1, 2, 3, 4, 5, और इसकी साइड देखें 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 साइड्स होती हैं और 5 कॉर्नर्स होते हैं, तो आपने यहाँ पे पेंटागॉन के 5 साइड्स होते हैं, आपने यहाँ पे मैच कर दिया। ठीक है, उसके बाद हेक्सागॉन ये देखिए इस शेप का होता है और इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये साइड है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कॉर्नर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 5 साइड्स होते हैं और 5 कॉर्नर्स होते हैं, तो आपने यहाँ पे हेक्सागॉन में इधर 6 साइड से मैच कर देना है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट ये होती है। रेक्टेंगल देखें, रेक्टेंगल इस शेप का होता है और जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, लेकिन रेक्टेंगल की 2 साइड
यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है, और ये वाली साइड, क्योंकि देखिए ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे जा रही है, ये यहाँ पे जो 15 से भी ज़्यादा आगे जा रही है, ठीक है, और ये देखें ये यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगी तो 8 पे ख़त्म हो गया, तो ये 8 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, और ये 16 या 17 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 17 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो यानी कि इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, रेक्टेंगल में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड, यानी कि टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड है ये और ये, ठीक है, और ये और ये से, तो आपने यहाँ पे इससे मैच कर देना है टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड। उसके बाद ओवल, अब ये ओवल देखें, ये देखें इसकी शेप देखें एग लाइक है, ठीक है, ओवल है ये और इसमें कोई साइड नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है, ठीक है, जैसे सर्कल होता है ये बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ये सर्कल तो एकदम गोल होता है, ये देखिए ये सर्कल एकदम गोल होता है, लेकिन ये एग लाइक शेप होती है, ठीक है, अंडे की एकदम गोल शेप नहीं होती, ओवल शेप होती है, ठीक है, अंडे की शेप को हम ओवल बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे ओवल से मिलाएंगे लाइक एंड एग, ठीक है, वो एग जैसा लगता है। अब उसके बाद आ जाएं पेज नंबर 142, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 2, नेम टू ऑब्जेक्ट विच लुक लाइक द सेम एज द गिवन शेप। अब ये पार्ट में देखें, इसमें लिखा हुआ है आपने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स लिखने और सेम शेप के हों, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड जो है वो किस शेप का होता है, ये देखें ये क्यूबॉइड की शेप है, ठीक है, ये स्क्वायर शेप है, और यहाँ से देखें आपने ये स्क्वायर शेप है और यहाँ से आपको बैक साइड का नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये जो है ये इस शेप को हम जो है वो क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक है। अब इस शेप में जो है हमने यहाँ पे इसमें जो ऑब्जेक्ट के नाम लिखे हैं मैच बॉक्स, ठीक है, और बुक, यहाँ पे जो है आपने ऑब्जेक्ट के नाम लिखे हैं तो आपने यहाँ पे मैच बॉक्स लिख दिया और यहाँ पे आपने बुक लिख दिया, ठीक है, वो भी इसी शेप की होती है। स्लेंडर बी में है स्लेंडर, अब यहाँ पे जो है हमें स्लेंडर जैसे शेप के नाम बताने, तो स्लेंडर क्या होता है, देखिए स्लेंडर जो है वो इस शेप का होता है, इस तरह से स्लेंडर होता है। अब ये जो है इस शेप के कौन कौन से शेप होते हैं और, तो आपने वो नाम बताने, तो जैसे कि पाइप ले लें, ठीक है, एक पेप्सी कैन होता है, ठीक है, जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, पेप्सी कैन, और इसके अलावा और भी सारे सिलेंडर होते हैं, जैसे कि कुछ टंकियाँ वगैरह होती हैं, वाटर टैंक होते हैं, ठीक है, तो वो भी गोल होते हैं, इस तरह से। अब आपने यहाँ पे दो में फिल कर देना है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना है आपने, जैसे मैंने यहाँ पे पाइप लिख दिया और पेप्सी कैन लिख दिया। उसके बाद जो है सी पार्ट देखें, सी पार्ट स्फीयर, स्फीयर जो है वो इस शेप का होता है, गोल शेप का, ठीक है। अब सर्कल तो वो एक अलग हो जाता है, लेकिन स्फीयर जो है वो इस शेप का होता है कि जैसे कि बॉल, ठीक है, आप एग्जाम्पल ले लें बॉल की, अर्थ की, ठीक है, ये होते हैं स्फीयर। अब आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या लिख देना है, बॉल और अर्थ। उसके बाद यहाँ पे देखें एक्टिविटी में हु आई एम, मैं कौन हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है थिंग बता रहे हैं, आई हैव नो फ्लैट फेस, यानी मेरा फ्लैट फेस नहीं है, आई हैव वन कर्व फेस, यानी मेरा एक जो है वो कर्व फेस है, एंड आई कैन रोल इजीली। तो देखें इन तीनों में से कौन सा हो सकता है, क्यूबिक तो नहीं हो सकता, इसमें जो है फ्लैट फेस नहीं है, ठीक है, तो क्यूबॉइड नहीं हो सकता, स्लेंडर, स्लेंडर में जो ये कह रहे हैं कि फ्लैट फेस नहीं होता, और यहाँ पे देखें ये सीधे जा रहा है, और यहाँ पे देखें स्फीयर, और स्फीयर में जो है कर्व होता है, ये देखें कर्व जा रहा है, ठीक है, तो ये कर्व हो गया, और इसके अंदर कोई फ्लैट फेस नहीं है, ठीक है, और इसमें आई कैन रोल इजीली, और ये इजीली घूम जाते हैं, देखिए अर्थ है, बॉल है, ये सब चीज़ें जो है वो इजीली मूव कर जाती हैं, ठीक है, तो आई कैन रोल इजीली, हम इसको आराम से जो घुमा सकते हैं, तो वो अब फेस आपके माइंड में कौन सी फेस है, वो आई आपके पास स्फीयर की, कि इसका कोई फ्लैट फेस नहीं है, जैसे कि आप एक बॉल की शेप ले लें, ठीक है,
उसका कोई फ्लैट फेस नहीं होता, ठीक है, वो कर्व होती है और वो इजीली जो है वो रोल हो जाती है, तो वो कौन सी शेप हुई, स्फीयर। तो आपने यहाँ पे स्फीयर बना लिया, ठीक है। उसके बाद स्फीयर आपने जैसे मैंने ये आपको बना के दिखाया, आपने सेम एज इट इज़ यहाँ पे ये ड्रॉ करना है, ठीक है, इसी तरीके से आपने ये कंप्लीट करना है। उसके बाद आ जाए आप पेज नंबर 143 पे, हेप्टागॉन। इसमें कह रहे हैं आई एम अ हेप्टागॉन, ठीक है, आई हैव सेवन साइड, आई हैव सेवन कॉर्नर एंड ऑल माई साइड्स आर इक्वल, ठीक है, आई एम हेप्टागॉन, ठीक है, आई हैव सेवन साइड, काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और कॉर्नर्स कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 कॉर्नर्स हैं और 7 जो है वो साइड्स हैं, ठीक है, ये होती हैं आपकी साइड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये वाले जो होते हैं, ठीक है, ये होते हैं कॉर्नर, ठीक है, ये भी 7 है। और इसमें कह रहे हैं ऑल माई साइड्स आर इक्वल, देख लेते हैं, इस हर तरफ से सेम आ रहा है, ये देखें यहाँ पे तो मेज़र किया तो ये देखें 6 सेंटीमीटर, उसके बाद ये देखें यहाँ से करेंगे तो ये भी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ से मेज़र करेंगे तो भी आएगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ से मेज़र करेंगे तो भी आ रहा है 6 सेंटीमीटर, हर तरफ से जो है इसकी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है, ये देखें 6 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, ये शेप कौन सी कहलाती है, हेप्टागॉन की, जिसकी 7 साइड्स हों, 7 कॉर्नर्स हों और तमाम साइड जो है वो इक्वल हो, तो वो कहलाती है हेप्टागॉन। इसके बाद है आपके पास ऑक्टागॉन, ठीक है, ऑक्टागॉन में आई एम एन ऑक्टागॉन, आई हैव 8 साइड, आई हैव 8 कॉर्नर्स, ऑल माई साइड्स आर इक्वल। पहले हमने हेप्टागॉन पढ़ा, उसके 7 साइड्स होती हैं, ऑक्टागॉन की 8 साइड्स होती हैं, ठीक है, ये देखिए आपके पास ऑक्टागॉन की ये शेप है और इसमें देखिए साइड्स कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद कॉर्नर्स काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 साइड्स और 8 कॉर्नर्स। इसके बाद ये कह रहे हैं कि इसकी तमाम साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं, ये देखें आप इसको मेजर करें, ये आपके पास जा रहा है 6 और ये 6 के बाद 5 लाइन और 6.5 तक, ठीक है, अब ये 6.5 तक होना चाहिए, यहाँ से लेके 6.5, ठीक है, सारी साइड्स जो है इसकी 6.5 की ही होंगी, ठीक है, यहाँ से भी देख लें आप 6.5, ठीक है, और यहाँ से भी ये है 6.5, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें आपके पास है, इसके बाद आपके पास आई एम नॉनागॉन, आई हैव 9 साइड, आई हैव 9 कॉर्नर एंड ऑल माई साइड्स आर इक्वल। देखें ये इस शेप का होता है, इसकी कितनी 9 साइड्स होती हैं और 9 कॉर्नर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और देखिए कॉर्नर्स कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गया 9, ठीक है, 9 साइड्स और 9 कॉर्नर्स, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, आप मेजर करके देखें, देखें यहाँ से यहाँ तक आप मेजर करें तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, अब यहाँ देखें ये भी देखें कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये मेजर करें तो ये भी यहाँ तक आ रहा है 5 तक, उसके बाद ये देखें ये भी 5 तक आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे मेजर करें, देखें हम स्केल जो है हमेशा 0 पे रखते हैं, ये 0 पे हमने रखा और ये देखें 5 तक आ रहा है, इस तरह से, यानी कि इसकी ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। उसके बाद आपके पास है डेकागॉन, ठीक है, इसकी जो है 10 साइड्स होती हैं और 10 कॉर्नर्स होते हैं और ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ये है डेकागॉन, काउंट करें इसकी साइड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कॉर्नर्स काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 साइड्स हो गए और
10 कॉर्नर्स हो गए। अब आप इसको मेजर करें, देखें यहाँ से यहाँ तक आपका जा रहा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मेजर करेंगे, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और फिर उसके बाद आप ये मेजर करेंगे, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा, सही है। इसी तरीके से सारी साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की आएंगी, ये भी और ये भी, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों और 10 साइड्स हों, 10 कॉर्नर्स हों, वो कौन सी शेप कहलाती है? डेकागॉन, ठीक है। इसके बाद आ जाएं आप पेज नंबर 144 पे, ठीक है, पैरामिड। अब यहाँ पे आपको पैरामिड वाली शेप के बारे में बताएंगे। आप पैरामिड हैज़ 5 फ्लैट फेसेस, ठीक है। इसके 5 फ्लैट फेसेस कैसे होते हैं, पैरामिड की शेप देखें, इस शेप की होती है, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ठीक है, एक आपको यहाँ से ट्राइंगल नज़र आ रहा है, आप यहाँ से भी एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है, आप अंदर देखें ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, इसकी एक साइड ये, एक साइड ये, और एक ये। मैंने आपको ट्राइंगल का बताया ना कि 3 साइड्स होती हैं इसकी। इसमें जो है 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 और ये 4, इस शेप में आपको 4 ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं। एक ये 1 जो मैंने ब्लैक से करा हुआ है, और फिर उसके बाद सेकंड ये, और एक ये देखिए पेंसिल से ड्रॉ हुआ है बैक साइड का, और एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल हो गए, एक 1, 2, 3 और एक ये हो गया 4। उसके बाद देखें यहाँ पर एक स्क्वायर शेप भी बनी हुई है, ये देखें ये फ्लैट फेस है और यहाँ पे ये स्क्वायर शेप भी बनी हुई है। अच्छा यहाँ पे देखें आप पैरामिड हैज़ 5 फ्लैट फेसेस, इसमें कह रहे हैं पैरामिड में फिर 5 जो है वो फ्लैट फेसेस होते हैं। देखें एक 1 ये हो गया, ठीक है, सेकंड ये 2, और फिर उसके बाद ये 3, फिर उसके बाद ये 4, और एक ये स्क्वायर शेप है, ये हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसमें कह रहे हैं 1 इज़ एज स्क्वायर फ्लैट फेस विच इज़ दी बेस ऑफ दी पैरामिड, यानी जो 1 स्क्वायर जो शेप है वो जो है वो पैरामिड की जो है वो बेस है। ये देखें यहाँ से ये स्क्वायर शेप बन रही है और ये क्या है, बेस है, ठीक है। ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है पैरामिड का, यहाँ से ये और स्क्वायर शेप बन रही है, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है 4 आर ट्राइंगुलर फ्लैट फेसेस, फ्लैट फेसेस जो है वो ट्राइंगुलर हैं। देखें यहाँ पे जो 4 फ्लैट फेसेस हैं, 1 एक फ्लैट फेस वो भी ट्राइंगुलर शेप में, सेकेंड, थर्ड और ये आ गया 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं दिस इज पैरामिड, दिस पैरामिड इज कॉल्ड स्क्वायर बेस्ड पैरामिड, यानी इस पैरामिड को हम कहते हैं स्क्वायर बेस्ड पैरामिड, ठीक है। और इट हैज़ नो कर्व फेस, इसमें कोई कर्व फेस नहीं है, ठीक है, ये सारे जो है वो फ्लैट फेसेस से बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिज्म, अब यहाँ पे दिस शेप इज कॉल्ड प्रिज्म, अब इट इज़ कॉल्ड अ ट्राइंगुलर प्रिज्म, इसको जो है ट्राइंगुलर प्रिज्म कहते हैं, ये एक प्रिज्म है और इसको जो है ट्राइंगुलर प्रिज्म कहते हैं। अब इसको ट्राइंगुलर प्रिज्म क्यों कहते हैं, इट हैज़ 5 फ्लैट फेसेस, इसमें जो है 5 फ्लैट फेसेस होते हैं, ठीक है। अब देखें कौन कौन से 5 फ्लैट फेस होते हैं, देखें एक तो मैंने ये किया हुआ है, ठीक है, ट्राइंगल शेप में 1, ठीक है, और एक ट्राइंगल शेप में ये 2 हो गया। इसके बाद एक इस रेक्टेंगल शेप ये आपको ड्रॉ हुई भी नज़र आ रही है 3, और एक यहाँ पे रेक्टेंगल शेप नज़र आ रही है आपको, ठीक है, ड्रॉ हुई भी, तो ये क्या हो गया, एक ये ना ये पूरा, तो ये 4 हो गया। और इसके अलावा एक ये रेक्टेंगल शेप नीचे ड्रॉ हुई है, ठीक है, ये नीचे, एक ये ऊपर, और एक ये आपके फ्रंट पे ये ट्राइंगल, और एक ये ट्राइंगल, तो ये हो गए टोटल 5 फ्लैट फेसेस, ठीक है। अब इसके अपोजिट साइड पे जो है कह रहे हैं कि यहाँ पे देखें 2 अपोजिट फेसेस ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म आर ट्राइंगल, यानी ट्राइंगुलर प्रिज्म के अपोजिट साइड पे देखें आप ट्राइंगल शेप्स बन रही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये ट्राइंगल बना, और इसके अपोजिट पे ये देखें ये ट्राइंगल बना, दोनों साइड पे ट्राइंगल बन गया। उसके बाद द बेस एंड द अदर 2 फेसेस आर रेक्टेंगल, बेस बेस जैसे कि हमने प्रिज्म में मैंने बताया था आपको कौन सी बेस है, जो सबसे नीचे होगा वो होगा बेस, तो यहाँ पे जो है ये बेस है, ठीक है, ये वाली शेप बेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये बेस है आपकी, और इसके अलावा ये रेक्टेंगल शेप की है, और ये भी रेक्टेंगल शेप की है, और ये सामने वाला जो ये ब्लैक से बना हुआ है ये भी रेक्टेंगल शेप में, ये बेस रेक्टेंगल शेप में, ये भी रेक्टेंगल शेप में, और ये पूरी
जो है बनी हुई है ये भी रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। तो यहाँ पे और इट हैज़ नो कर्व फेस, तो ये ट्राइंगुलर प्रिज्म कहलाता है जिसमें दोनों साइड पे ट्राइंगल बना हुआ हो और इसकी जो थ्री जो है वो साइड्स होती हैं, मतलब यहाँ पे एक ये और एक ये, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएं आप एजेस पे। एजेस आर द शार्प लाइन दैट वी कैन सी इन अ वी सी इन अ शेप। अच्छा यहाँ पे देखिए एजेस किसे कहते हैं, एजेस जो ये लाइंस हैं इनको एजेस कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से जो शेप बन रही है, जैसे कि अब ये शेप बन रही है, तो ये जो लाइन कहलाएगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो जा रही है ये एजेस कहलाती है, ठीक है। इसको हम एजेस के नाम से कहते हैं। अच्छा वर्टेक्स क्या होता है, अच्छा दो पॉइंट यहाँ पे लिखा वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर टू एज मीट, यानी कि जहाँ पे दो एजेस मीट कर रही हो। अब मैंने आपको बताया ये होती है एजेस, ठीक है, ये होती है एजेस, जहाँ पे दो एजेस जो है आपस में मीट कर रही हूँ, टकरा रही हूँ, तो उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। अब ये एक एज जा रही है, ठीक है, ये एक एज जा रही है, ठीक है। अब दोनों एजेस जा रही हैं और एक पॉइंट पे टकरा गए, ठीक है, इस पॉइंट पे मिली दोनों, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स, ठीक है। इस पॉइंट को वर्टेक्स कहेंगे और इसको एजेस बोलते हैं, ठीक है। और जब दोनों एजेस आपस में मिलती हैं तो उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद आ जाएं आप पेज नंबर 145 पे, शेप्स, सर्कल द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन शेप। अच्छा यहाँ पे आपको सर्कल करना है। अब ये देखें मैंने आपको यहाँ पे बताया था स्क्वायर शेप है, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से ही स्क्वायर शेप बना हुआ है ये, और स्क्वायर शेप बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये शेप आप कहलाएगी आपकी स्फीयर, क्यूब, पैरामिड या सिलेंडर, तो ये आपकी कहलाएगी क्यूब। क्यूब की मैं आपको एक दफ़ा पिक्चर दिखा देती हूँ, ये देखें ये इसी शेप की है, ये बना हुआ है फ्रंट पे स्क्वायर, ये बैक पे और ये ऊपर ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्यूब पे सर्कल कर दिया। उसके बाद ये देखें ये गोल शेप बनी हुई है। अब ये बतानी है स्फीयर है, क्यूब है, सिलेंडर है या कोन है, तो यहाँ पे ये देखें ये स्फीयर है, ठीक है, तो आपने स्फीयर पे सर्कल कर देना। उसके बाद ये वाली शेप है स्फीयर, पैरामिड, क्यूबॉइड, सिलेंडर, तो ये देखिए सिलेंडर तो नहीं है, ये गोल नहीं हो सकती है। पैरामिड भी मैंने आपको बताया था, पैरामिड ऐसा होता है ट्राइंगल शेप में होता है, ठीक है। स्फीयर जो है वो आपको अभी यहाँ पे बताया था, ठीक है, जो बॉल वगैरह होते हैं ये इस टाइप का भी नहीं है, तो यहाँ पे ये क्यूबॉइड पे आ जाएगा, ठीक है, क्यूबॉइड है ये इसका सही आंसर, ये और ये शेप सेम है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें ये शेप जो है क्यूबॉइड, सिलेंडर, पैरामिड या प्रिज्म, तो ये मैंने आपको दिखाई थी एक डायग्राम, यहाँ पे एक शीट से दिखाया था मैंने आपको सिलेंडर, ये देखें ये इसी शेप का है और इसको हम क्या कहते हैं, सिलेंडर, तो आपने यहाँ पे सिलेंडर पे सर्कल कर देना। इसी तरीके से बाकी पार्ट भी आपने करना है, और ठीक है ये पेज आपने बुक में कंप्लीट करना है। पेज नंबर 146 पे आ जाएं। पैटर्न इज़ एन अरेंज ऑफ ऑब्जेक्ट इन सिमेट्रिकल मैनर। यहाँ पे देखें आपने क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से करना है कंप्लीट द पैटर्न। अब यहाँ पे देखें ये कार्ड शेप है, सर्कल, सर्कल, कार्ड शेप, सर्कल, सर्कल, तो अब आपने इसी पैटर्न को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पे कार्ड शेप, सर्कल, सर्कल, ठीक है। इसी तरीके से बी पार्ट में देखें यहाँ पे बना हुआ है सन, यहाँ पे सन, मून, सन, मून, तो आपने भी सन और मून बनाया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है मैंगो, एप्पल, मैंगो, एप्पल, यहाँ पे मैंगो है, फिर एप्पल है, फिर मैंगो, एप्पल, मैंगो, और फिर यहाँ पे आ जाएगा एप्पल। इसी तरीके से डी और ई पार्ट भी आपने करना है, सही है, ये सारा काम आपने अपनी बुक में करना है। यहाँ पे आपका ज्योमेट्री पोर्शन कंप्लीट हो गया है।